नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12 साल तक ब्रह्मचर्य में रहने पर हमारे जीवन में क्या क्या चेंजमेंट आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, जब कोई साधक 12 साल तक ब्रह्मचर्य में रहने का संकल्प करता है और हर परिस्थिति में अपने इस संकल्प को पूरा कर लेता है, तो फिर इसमें कोई संशय नहीं है कि वह व्यक्ति देवताओं के समान है। उसको फिर हर पल हर क्षण अपने चारों तरफ आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है। ऐसा व्यक्ति फिर आनंद के शिखर को छू लेता है। जैसे यदि किसी चंदन की लकड़ी पर यदि काई लगी हो तो हमें चंदन की लकड़ी की सुगंध का अनुभव नहीं हो पाता। ठीक इसी प्रकार हमारे मन पर भी गंदगी की परत जमी हुई है। जब हम इस गंदगी को साफ कर लेते हैं और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने आप का अनुभव होने लगता है। हम स्वयं सुख के सागर हैं, बस माया के वशीभूत होने के कारण अपने आप को भूले बैठे हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। दोस्तों, 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता। वह मृत्यु से फिर निडर हो जाता है। 12 वर्ष की ब्रह्मचर्य की अग्नि व्यक्ति के शरीर को दिव्यता से भर देती है और उसके समस्त पापों को भस्म कर देती है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि जिस वीर को हम क्षणिक सुख के लिए गवा देते हैं, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम उसका नाश कर देते हैं, लेकिन जब हम उस वीर को धारण करते हैं तो उसकी महत्ता हमारे सामने प्रकट होती है। जिस वीर को निकालने में इतना सुख है, सोचो जब इसको शरीर में हम अपने धारण कर लेंगे तो कैसे सुख का अनुभव होगा। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दुखी रहना चाहता हो। सभी सुख की ही कामना करते हैं। कौन नहीं चाहता कि उसके शरीर में अटूट शक्ति हो, उसका शरीर हमेशा स्वस्थ व सभी रोगों से मुक्त हो। सभी लंबी आयु की कामना करते हैं। सभी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और यह सब केवल ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, 12 साल ब्रह्मचर्य पालन से शरीर में आपको अतुलित बल की प्राप्ति हो जाती है। आपका शरीर वज्र के समान कठोर और मजबूत हो जाता है। एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने दयानंद सरस्वती जी का नाम तो सुना ही होगा, जो एक अखंड ब्रह्मचारी थे और इनके गुरु का नाम बिरजानंद दंडिस था। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी बाजार जा रहे थे और उन्होंने बाजार में दो सांडों को लड़ते हुए देखा, जो तकरीबन 2 घंटे से बाजार में लड़ रहे थे। बाजार में काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। स्वामी जी ने सोचा कि अगर इन सांडों को यहाँ से नहीं हटाया तो ये किसी का भी अहित कर सकते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने सांस भरकर अपनी पूरी शक्ति के साथ उन दोनों सांडों के सिंगों को बीच में से पकड़कर अपनी पूरी शक्ति के साथ वहाँ से उन सांडों को हटा दिया और यह सब ब्रह्मचर्य की शक्ति से ही संभव हो पाया। अब आप जान गए होंगे कि ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है। ब्रह्मचर्य की शक्ति के बल पर ही महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मण जी ने भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य को अपनाकर मेघनाथ का वध किया था, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था कि उसे केवल एक ब्रह्मचारी व्यक्ति ही मार सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को युवाओं के पास जरूर शेयर करें और जाते जाते अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल बनाएं। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।